विद्युत विभाग की आपसी राजनीति के चलते बिसंडा थाना अंतर्गत अकोना गांव की बिजली पिछले दो साल से गुल है। गर्मी के इस मौसम में बिजली न आने से ग्रामीण परेशान हैं, वहीं दर्जनों नलकूप भी बंद पड़े हैं। विभाग के लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। अहम बात है कि बिजली काटने के पीछे की वजह यह है कि कुछ दिन पहले से सौभाग्य योजना के तहत गाँव में विद्युतीकरण हो रहा है, जिसके चलते गाँव में बंद केबल लग रही है, जिसमें ग्रामीण वासियों के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिसको अब तक लाइन नहीं चालू की गई है। वाले आपके गांव में क्या समस्या है? हमारे गांव में ये समस्या है कि मीटर दे के चले गए हैं और उनमें केबल नहीं दिए, ना मीटर लगाए हैं, ना उसमें खंभों में वायरिंग नहीं है, अभी लूम पड़ी है नीचे। वहीं मीटर कब लगाए गए थे? मीटर वही हो गए, एक साल दे गए हैं, लगाए नहीं हैं। अच्छा, तो वायर उसके साथ में मिली थी? कुछ वायर नहीं दिए। आपने किसी से शिकायत की कि नहीं की? शिकायत किए हैं, विधायक से दो तीन बार किए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? पीसी पटेल, जनसेवक भदेदू। आप इस समय अकौना गांव में आए हुए हैं, अकौना गांव की क्या समस्या है? अकौना गांव की समस्या क्या, पूरे क्षेत्र की समस्या है, लेकिन विशेषकर अकौना गांव के लिए हम लोगों को कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रधान जी के द्वारा, युवा ग्रामीणों के द्वारा फोन के माध्यम से व रूबरू होकर के मुलाकात करके उन्होंने कहा कि यहाँ पर लाइट की बड़ी समस्या है। हम लोग भी जायजा लिया कि वास्तविक लाइट की क्या स्थिति है। तो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी जी और योगी जी का सपना है कि हर घर को लाइट मिले, लेकिन सौभाग्य योजना में सब कुछ सरकार के द्वारा बजट दिया जा रहा है, सामग्री दी जा रही है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो ठेकेदार हैं, वो लोग सरकार की योजनाओं को पलीता लाते नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने भी माननीय विधायक जी के माध्यम से SDO बबेरू विद्युत, साथ में एक्सियन और AC महोदय को लिखित में व मौखिक दूरभाष के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई बार टेलीफोन से अवगत करा दिया गया कि इस गांव को शीघ्र अति शीघ्र विद्युतीकरण करके सप्लाई दी जाए, लेकिन वास्तविकता ये जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, पूरी तरह से मनमानी पे उतारू हैं। अभी हाल ही में 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया था। एक आप इस गांव के ग्राम प्रधान हैं कि नहीं? हाँ, उनके लड़के हैं प्रधान। अच्छा, तो ये बताइए, आपके गांव में बड़ी समस्या आ रही है, लोगों के द्वारा सूचना मिल रही है कि गांव में लाइट नहीं सप्लाई हो रही। जी, हमारे गांव में लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए काम चालू हुए। अच्छा, अब ये मान लीजिए मीटर लगवाए कम से कम 6 महीने हो गए, 6 महीने से ऊपर हो गए मीटर दे गए हैं, किसी को केबल दिया है, किसी को केबल भी नहीं दिया, और ना तो लाइन अभी गांव के अंदर सप्लाई की है, ना पूरे गांव में अभी केबलिंग हुई है, कहीं कहीं पोल भी रह गए हैं अभी। अब हम लाइट वालों से बार बार कहते रहे कि भाई कम से कम केबल और ये पोल तो सब जगह करवा दो पूरे गांव में, तो कह रहे थे हम बाद में आएंगे, जब चालू करेंगे जब लगवा देंगे। बताओ बारिश आ रही, कब लगवाएंगे लोग? आपने किसी के पास शिकायत की थी कि नहीं? हम जो है PC पटेल को लिवाकर विधायक के पास कम से कम 2-3 बार गए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।